नमस्ते साथियों, आज मैं छत पे बैठा हुआ था और एक मन में आया कि आप सबको लोगों के साथ एक बात साझा करूं। तो हर दिन हमारा लॉकडाउन में यही नियम था कि घर में हम छत पे जो है कुछ ना कुछ खेल खेलते हैं बच्चों के साथ। तो आज जो कहानी बताने वाला हूं वो सैनिटाइज़र के बारे में है। ये लगभग एक छोटी सी कहानी है, कहानी का एक मेरे साथ ही घटित हुई है। एक साल पहले की बात है लगभग, कि मैं एक ट्रेन से सफ़र कर रहा था और ट्रेन से सफ़र करते समय जो है एक परिवार जो है, मैं जिस ट्रेन में बैठा था तो थर्ड एसी का डब्बा था और वो परिवार जो है भोजन कर रहा था। तो भोजन करने से पहले उन्होंने अपने पूरे परिवार ने किसी ने हाथ नहीं धोने के बजाय वो सैनिटाइज़र उन्होंने बैग से निकाला ट्रेन में और सबने हाथ सैनिटाइज़र से धोए, साफ़ किए और जो है खाना खाना शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद जो है मैं भी खाना भोजन अपना जो है वो करने के लिए तैयार होने लगा। तो उन्होंने बड़े एक अच्छे भाव से जो है मुझे ऑफ़र किया कि ये लीजिए, आप भी सैनिटाइज़र से हाथ धो लीजिए। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं इसका प्रयोग नहीं करता। तो उनकी आंखों में एक प्रश्न सूचक जो है वो था कि सैनिटाइज़र प्रयोग नहीं करते मतलब। मैं कहा नहीं, मैं पानी से हाथ धो लूँगा। तो मैंने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद जो है मैं हाथ धोकर आया। तो काफ़ी देर तक, वो आधे घंटे तक तो एक चुप्पी सी रही, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूछ ही लिया कि भाई साहब, ये आपने सैनिटाइज़र का प्रयोग क्यों नहीं किया? आपने कहा कि मैं प्रयोग नहीं करता, तो इसमें क्या ख़राबी है? तो मैंने उनको एक बात कही जो मैं आप सबको भी कहना चाहता हूँ कि आप सब भी कहिए, क्योंकि अभी कल ही मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि सैनिटाइज़र के बारे में जो आजकल वहम फैल गया है सब लोग, कि अगर इनका वश ना चले तो हमें सैनिटाइज़र से नहला भी दे पूरा का पूरा, ये तो हाथ धोने की बात है। कि मैंने उनसे ये कहा कि मान लीजिए अभी आप ट्रेन में हैं तो, और आप कोई, आप में से कोई भी जो है वो मल त्याग के जाता है, लेटरिन के लिए जाता है ट्रेन में, तो और ट्रेन में अगर पानी ख़त्म हो जाता है मान लीजिए, तो आप लोग अपना मल त्याग करने के बाद जो है अपने हाथ किससे पहुँचेंगे? आप पानी से साफ़ करके आएंगे या फिर सैनिटाइज़र से, बिना पानी के सिर्फ सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ करके आप भोजन कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, अब उनके पास इस बात का प्रश्न का उत्तर नहीं था कि मल त्याग करने के बाद यदि पानी का ही विकल्प है, ये पानी से हाथ धोने का ही विकल्प है ये सैनिटाइज़र, तो मल त्याग करने के बाद भी पानी से धोने का क्या ज़रूरत है? आप सैनिटाइज़र ही साथ लेके जाइए और उसके बाद सीधा भोजन करिए अगर हिम्मत है तो। तो मैं आपसे यही शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो सैनिटाइज़र का वहम है ये आपको सुरक्षा की भावना ज़रूर दे सकता है लेकिन सुरक्षा नहीं दे सकता। जैसे आरओ का पानी तो साफ दिखता है लेकिन वो उसमें बिना गुण वाला साफ होता है, वो साफ दिखता है, साफ होता नहीं है। तो सैनिटाइज़र की कहानी आप सबको सुनाइए कि अगर सैनिटाइज़र इतना ही बढ़िया है तो मल त्याग के बाद जो है बिना हाथ धोए प्रयोग करिए। इतने अगर सब कुछ धोना ही है, सब कुछ धोना है तो ये भी धोइए। धन्यवाद।